थैंक यू विक्रांत ब्रदर और पास्टर अशोक कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, सारी टीम, और इतना सुनहरा मौका दिया इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का. और कुछ दिल से भी बच्चे हैं यहाँ पे. आप सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोग इतने मतलब अपने यंग एज में यहाँ आकर इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना और स्तुति कर रहे हैं, उनके बारे में सीख रहे हैं. हमारे समय में हमें ये नहीं मिला था. मिलता तो शायद बहुत सारी चीज़ों से हम नहीं गुजरते. वैसे मुपुन आप सब बैठ सकते हो प्लीज़. सॉरी. पूना से मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता है. आप लोग की उम्र में आपसे थोड़ी छोटी भी थी मैं. यहाँ 13 साल के कोई है तो हाँ ऊपर ऐसे हाथ उठाओ. 13, 14 कौन है? हाँ, आपके एज की थी मैं जब मैं पूना आया जाया करती थी. और पूना के साथ मेरी बहुत सुनहरी यादें जुड़ी हुई है उस टाइम में, और शायद आज भी, मुझे नहीं पता. आज थोड़ा कमर्शियल हो गया है पूना, लेकिन उस टाइम में ना पूना बहुत ताज़ा रहता था, एकदम ताज़ी है पूना के साथ. तो पूना से मेरा एक लगाव है, एक प्यार है, यू नो. और मुझे पूना के लोग भी बहुत अच्छे लगते हैं. लेकिन आज मैं उसके बारे में नहीं, आप सब मेरे बारे में तो जानते ही, और ज़रूरी नहीं है कि जानते हो. विक्रांत ब्रदर ने बताया मेरे बारे में, लेकिन हो सकता है बहुत लोग टीवी नहीं देखते हो. मैं टीवी और फिल्म एक्ट्रेस हूँ. और सबसे बड़ी बात, अभी हाल ही में कौन आया था, पास्टर तेजल नाडर, मैं उनके चर्च से हूँ. वो और उनके पति मेरे पास्टर हैं, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं उनके परिवार का एक हिस्सा हूँ, उस देह का एक हिस्सा हूँ. आप सब भी उसी के हिस्से हो, बड़े देह के. लेकिन उस एरिया, उस चर्च में मैं जाती हूँ जहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत आशीष मिला, बहुत अभिषेक मिला. और जो कुछ भी मैं आज आपसे बांटने जा रही हूँ उसी का एक हिस्सा है. मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वो भरोसे से बहुत जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ भरोसे के बारे में कुछ बांटना चाहती हूँ. हम एक वचन देखेंगे. ओके, एक वचन देखेंगे. नीति वचन में 3:5-6 हिंदी में कोई बोल सकता है क्या माइक पर? कोई ट्रांसलेट कर सकता है हिंदी में नीति वचन? इंग्लिश में है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड लीड नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग. इन ऑल योर वेज सबमिट टू हिम एंड ही विल मेक योर पाथ स्ट्रेट. इसका मतलब है अपने अपने हृदय में प्रभु पर पूरा भरोसा करो. किस कैसा भरोसा? पूरा भरोसा करो. और अपने सद्बुद्धि पर निर्भर मत हो, अपनी सोच पर निर्भर मत हो, अंडरस्टैंडिंग पर. और हर क्षेत्र में आपके जीवन में उसको समर्पित करो, यीशु को, परमेश्वर को, और वो आपके सारे रास्तों को सीधा करेगा. मैं ये आप लोगों के साथ क्यों बांट रही हूँ, क्योंकि अभी आपके आप में से कई लोगों की अभी शुरुआत है सफ़र की, और इस सफ़र में सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ने वाली है भरोसे की. क्योंकि मेरी जो शुरुआत हुई थी वो आप ही के उम्र से भी कम उम्र में मेरी शुरुआत हुई थी प्रभु के साथ, एक बहुत ही अनोखे तरीके से. और एक एक वचन है मेरे जीवन में जिसने मुझे आज यहाँ लाकर खड़ा किया है, और वो वचन भी हम देखेंगे आगे. लेकिन भरोसा मतलब क्या है? भरोसा हम जानते हैं, हम एक पत्नी अपने पति पर भरोसा करती, पति अपने पत्नी पर भरोसा. ज़रूरी है कि नहीं? यहाँ जितनी पत्नियाँ हैं मानती है क्या बिना भरोसे के रिश्ता होता है? है किसी के पास ऐसा रिश्ता बिना भरोसे के? हम भरोसा करते तो ही रिश्ता कायम होता है. तो भरोसा बहुत ज़रूरी है. लेकिन सही मायने में बाइबल के अनुसार भरोसा क्या है? एक बच्चा, एक पेड़ पर एक छोटा सा बच्चा बैठा है, और उसकी छोटा बच्चा और उसके माँ बाप नीचे खड़े हुए, माँ या बाप, वो सोचता नहीं है कि अब मैं अब जंप करूँगा तो मैं नीचे गिरूँगा. उसको पूरा भरोसा है कि उसके माँ या बाप उसे अपने इसमें ले लेंगे. वो ज़्यादा सोचता नहीं है. उस तरह का भरोसा,
उस तरह का भरोसा बाइबल उसके बारे में बात करता है, एक बच्चे के जैसे। यीशु ने कहा ना, जब तक तुम बच्चों की तरह नहीं बनोगे तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि वहाँ पे भरोसे की ज़रूरत होती है, और वो भरोसा एक बच्चा करता है अपने माँ बाप पे। सोचता नहीं है अरे थोड़ा सा इधर हो गया तो मैं गिर जाऊँगा, उधर हो गया। वो अपने आप को छोड़ देता है अपने माता पिता के हाथों में। वो माता पिता जो फिर भी पूरे सिद्ध नहीं है, हो सकता है वो चूक जाए, तो हमारा परमेश्वर कितना सिद्ध है ना? आमेन। ओके, आप मेरे साथ आमेन बोलना, नहीं तो थोड़ा मुझे भी उत्साहित की जरूरत है, उत्साहिता की। तो हमारा परमेश्वर कितना कितना महान है, और हम कितना अपने आप को उसके अंदर छोड़ सकते हैं, उस तरह का भरोसा। और एक भरोसा, भरोसे का एक और उदाहरण देती हूँ। आप उस चेयर पे बैठे हो ब्रदर, आपको तीन चार चीज़ को ऐसे पकड़ने की ज़रूरत पड़ रही है, पड़ रही क्या? क्यों? क्योंकि वो आपका पूरा बोझ ले पा रहा है, करेक्ट? उस तरह का भरोसा परमेश्वर में, कि ये काफ़ी है मेरे लिए, मैं गिरूंगा नहीं। अब आप सोचो कि मैं क्यों इस बात को आपसे बांट रही हूँ, क्योंकि ये मेरे गवाही से बहुत जुड़ा हुआ है। मेरा पूरा जीवन इस भरोसे पे ही टिका हुआ है आज तक। एक और वचन देखेंगे हम, मत्ती की किताब 6:33। परमेश्वर के राज्य को खोजो, सत्य को खोजो, और तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी होंगी। क्या होगी? पूरी होंगी। मेरा, अगर आप मेरे पूरे जीवन को एक छोटे से इसमें डालना चाहते हो वचन में, तो वो ये है, परमेश्वर के राज्य को खोजना, उसके सत्य को खोजना। अब मेरी शुरुआत कहाँ पर हुई? मैं कभी एक्टर नहीं बनना चाहती थी। आप हैरान होंगे, आपको लगता होगा ये बचपन से ही सपने देखती होगी एक्टर बनने का, इसलिए एक्टर बन गई। मैं आप लोग से इसलिए बांट रही हूँ क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की योजना आपके लिए उससे बेहतर होगी अगर आप उस पर भरोसा करोगे। तो किस तरह का भरोसा? वो बच्चे की तरह। किस तरह का भरोसा? उस कुर्सी पर बैठने वाला भरोसा, अपने जीवन की गाड़ी का ड्राइवर उसे बनाना। आमेन। तो मेरी शुरुआत जब हुई, मैं बहुत छोटी थी, 11 साल के एज में, मैं अन्य जाति से आती हूँ, 11 साल के एज में मेरे को बहुत सारे सवाल आ गए कि बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे देव देवता हैं, तो सच्चा परमेश्वर कौन है? वो मेरे 11 साल के एज में मेरे माइंड में आना शुरू हुआ कि हम यहाँ पर है क्यों? हम खाते पीते, शादी करते, बच्चे होते, फिर वो भी बड़े हो जाते, फिर उनका हम देखते, इंश्योरेंस करते, ये करते वो करते, फिर हम भी चले जाते, मकसद क्या है जीवन का? ये 11 साल की एज में है ना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे, है कि नहीं? आपको भी बहुत कम उम्र में ये बात आई होगी माइंड में, क्योंकि ये बात है ना, प्रभु ने हमारे लिए एक योजना बनाई, इसलिए वो हमारे माइंड में वो चीज़ आती है, क्योंकि वो हमें कहीं ले जाना चाह रहा है। और उस वक्त मुझे यीशु के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं उस मार्ग में चली नहीं रही थी, और ना ही मुझे इंटरेस्ट था। मैं सच कह रही हूँ आपको, मैं बहुत ही साधारण इंसान हूँ, आप ही की तरह हूँ, सब कमजोरियों के साथ मैं वैसे ही थी जैसे आप हो, वैसे ही हूँ। तो मेरे को यीशु में जाना ही नहीं था, मेरे को चिढ़ आती थी एक्चुअली यीशु के नाम से, और कोई मुझे बोलता बाइबल पढ़ो तो मैं बोलती थी नहीं चाहिए, ऐसी थी मैं। लेकिन बाकी सब पढ़ती थी मैं, 6-6 बार मैंने पढ़ लिया बाकी सब किताबें, क्यों? मुझे इंटरेस्ट था जानने के लिए सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन। एक दिन मैं बहुत ही निराश हो गई, मैं टेरेस पर गई अपने बिल्डिंग के, वो बंगला था हैदराबाद में, बाजू वाले के बंगले में, हम लोग के पास बंगला भी नहीं था, हम लोग छोटे से घर में रहते थे, तो वो बंगले पे गई और मैंने फूट फूट के रोना शुरू किया। मेरे लाइफ में वैसे भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, फूट फूट के रोना शुरू किया, और मैंने बोला तू कौन है, तू मुझे बता, मैं जानना चाहती हूँ तू कौन है। ऐसे आसमान को देख के मैंने बोला तू अदृश्य परमेश्वर, मैं नहीं जानती तू कौन है, पर तू मुझे बता, मैं तेरे को कोई नाम नहीं देती, कोई धर्म नहीं देती हूँ, पर तू मुझे अपने आप को प्रकट कर, मैं सब कुछ तेरे हाथों में छोड़ती हूँ, अब आगे क्या होगा तू ही देख ले, तू मुझे बता तू कौन है बस। और मेरे को रातों को नींद नहीं आती थी इस बात को लेकर कि परमेश्वर कौन है एक्चुअली, वो एक जीवित परमेश्वर कौन है इतने सारे नामों में। और फिर ये मैंने बात उनके हाथों में छोड़ दी, मुझे साइंटिस्ट बनना था,
पढ़ाई में बहुत रुचि थी मेरी, और हालांकि पढ़ाई में बहुत गैप्स आए प्रॉब्लम की वजह से. तो जब मैं 10वीं कर रही थी, मुझे लगा कि मैं कॉलेज भी जाऊंगी. मेरा प्राइवेट 10th कर रही थी, मैंने फॉर्म्स भी भर दिए थे. ये जब मैं 16 साल की थी, ये तब की बात है. तब तक ये सवाल और भी गहरा होता गया. मैंने गॉड से टेरेस पर ये रो के पूछा. उसके 3 महीने के अंदर कुछ ऐसा बड़ा हादसा हुआ, मेरे पिताजी गायब हो गए. वो मुंबई में रहते थे, हमारे खर्चे के लिए यहाँ से मुंबई से हैदराबाद पैसे भेजते थे. उसी खर्चे पे, उसी पैसे पे हमारा घर चलता था, रेंट, खाना पीना जो भी है. मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन. अब वो कहाँ गायब हो गए, पता नहीं. ना पैसे आ रहे, ना फ़ोन आ रहा है. मुंबई फ़ोन कर रहे तो कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं. ये 3 महीने के अंदर जो मैं टेरेस पे जाके यीशु से, परमेश्वर से, यीशु तो तभी पता ही नहीं था, परमेश्वर से मैंने बोला, तू मुझे रास्ता बता, तू कौन है. ये 3 महीने के अंदर ये सब कुछ होने लगा. मेरा SSC कंप्लीट हो गया, तब तक कॉलेज के फॉर्म्स भरने तैयारी हो रही थी. इतने में ये हुआ, मम्मी बोली चलो मुंबई चलते, देखना पड़ेगा किधर है वो, वरना हम लोग गुजारा कैसे करेंगे, कोई नहीं हमारी मदद करने वाला, कोई भी नहीं. क्योंकि मम्मी भी बहुत गरीब परिवार से आती थी, तो डैडी थोड़े से पैसे वाले थे, लेकिन उनके भी बहुत सारे लिटिगेशन प्रॉब्लम्स, ये वो बहुत कुछ चल रहा था हमारे जीवन में. तो चलो हम मुंबई चलते. तो मुंबई आए हम लोग, ढूंढने लगे, उधार के पैसे लेके आए किसी से, ढूंढने लगे. एक छोटे से लॉज में ठहरे, आज भी वो लॉज वैसे के वैसा ही है, उधर एयरपोर्ट पैलेस सांता क्रूज ईस्ट में. अभी भी मैं जाके पिक्चर्स निकाल के लाई वहाँ पे. हाँ, इट्स जस्ट लाइक दैट. कुछ बना नहीं, पेंटिंग नहीं हुई उस बिल्डिंग की ठीक से, वैसे के वैसे. इतने सालों में, मैं 16 साल की थी तभी. तो उस लॉज में हम लोग ठहरे थे, 10-11 दिन ऐसे ही निकल गए, डैडी मिले ही नहीं. जिधर जिधर हम जाके ढूंढ सकते थे, सब जगह ढूंढा, किधर भी नहीं मिले. मम्मी ने बाद में हमको बताया कि उसने सोचा पैसे खत्म हो गए, अगले दिन खाने के पैसे नहीं, 4 दिन होटल के पैसे नहीं भरे थे हम लोगों ने. होटल वालों को पता नहीं था, नहीं तो हमारा बोरिया बिस्तर बाहर कर देते, हमको फेंक देते थे बाहर. वो अभी तक मम्मी ने उनको बताया नहीं था कि हमारे पास पैसे नहीं. उनको लगा अब तक दिया तो दे देंगे आगे. फिर मम्मी ने बताया कि उन्होंने प्लानिंग बनाई थी, हमें जहर देकर हमको ख़त्म करना, खुद भी ले लेती थी अगले दिन, ऐसा उनका प्लान था. लेकिन उन्होंने सुना था यीशु के बारे में, बहुत पहले वो यीशु को मानती थी, लेकिन पूरा सब छोड़ छाड़ चुकी थी. और अब उन्होंने सुना था एक चर्च के बारे में, तो वो बोली कि चलो चलते. तो मैंने बोला मेरे को नहीं आना है, मैं क्यों आऊँ, मेरे को ये कौन है ये परमेश्वर, मेरे को नहीं पता, ये खुद सूली पर है, मेरी क्या मदद करेगा, ऐसा मैं सोचती थी. और बोले नहीं, तुम चलो, तुम लोग को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती ये होटल.